नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल दिल से बनाइए प्यार से खाइए में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, एक सरप्राइज वाली चीज़ है ये। गांव में मम्मी के यहाँ से बहुत खाइए, तो अभी मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने की। इसको बोलते हैं कराज। ये क्या है, उड़द की धुली हुई दाल है। ये मैंने भिगो दी थी, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इसको भिगे हुए। अभी इसको सही से धो लिया है और अभी इसको उसके बाद में क्या करना है, पीसना है। तो पीसने के बाद में हम इसकी कराज बनाएंगे, तो आगे की प्रक्रिया मैं पीसने के बाद में बताऊंगा। बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये दाल पिस चुकी है। अभी क्या करना है, इसको हमको फेंटना है ऐसे, और इसको फेंटना है। ये हल्की 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 हो जाएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी फूलने भी लगेगी, तब तक इसको फेंटना है दोस्तों। इसको कम से कम 10-15 मिनट फेंटना है हमें। 10-15 मिनट में ये हल्की हो जाएगी, प्लस थोड़ी थोड़ी फूल जाएगी, उसके बाद में इसकी करायल बनाई जाएगी। करायल, करेल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं गाँव में, लेकिन करायल मुझे सही शब्द लगता है, तो करायल बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये अभी फिट चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ें डालेंगे। हल्का सा नमक डालेंगे और रोस्ट किया हुआ क्रश करके जीरा डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा टीस्पून। ये रोस्ट किया हुआ आधा टीस्पून जीरा डाल दिया, और नमक आपको जो पसंद है वो डालें, काला सफ़ेद कोई दिक्कत नहीं है। इतना थोड़ा सा नमक है, ये काला सफ़ेद वाला नमक डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों। जब तक उसको मिक्स करेंगे, तब तक क्या करते हैं ना, इधर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख देते हैं, इतना ऑयल काफ़ी है। हमें अपनी कढ़ाई क्या होती है, डीप फ्राई करनी होती है, तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। नमक और वो जीरा पाउडर, जो क्रश वाला जीरा है, वो सही से मिल जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, तब तक वो भी गर्म हो जाएगी। मतलब ये क्या है, ये जो हम बड़े बनाते हैं ना, ये बड़े से पहले का प्रोसीजर है, इनको छोटी बड़ियाँ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम है कराल, जो गाँव में दिया गया है। और ये बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ में और चपाती के साथ में। चपाती और चावल के साथ में जो उसका टेस्ट है, वो किसी और चीज़ के साथ में नहीं आता है। और लोहे की कढ़ाई में अगर बनी हो, तो बाकी किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई वाला टेस्ट किसी बर्तन में नहीं आता है, तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, हमारा सही से मिक्स हो चुका है, तो अब हम अपना तेल चेक कर लेंगे कैसा है। थोड़ा सा डालेंगे और इनको मीडियम लो आंच पे फ्राई करना है हमको, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो ये ऊपर भुन जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, उनको पूरा सही से भुनना है। तो अभी सही है तेल, तो इसको हम डालना चालू करते हैं छोटा छोटा। ये इससे ज़्यादा बड़ी नहीं डाली जाती हैं। अगर आपको लगेगा आपकी आंच तेज हो रही है, तो आंच को हल्का कर देंगे। दोस्तों जब ये नीचे से हमारी फ्राई हो जाएगी ना, तो हम इनको पलट देंगे। ये देखिए हल्की भी होने लगी हैं, इसका मतलब ये है कि अंदर से, बाहर से, हर तरफ से ये पूरी सही से फ्राई हो रही हैं। और ये इस वजह से फ्राई हो रही हैं ऐसी, क्योंकि हमारी आंच जो है वो मीडियम लो है, मीडियम हाई नहीं है या मीडियम नहीं है, इस वजह से। तो आंच का बहुत ध्यान रखना है इसमें। इनका कलर हल्का ब्राउन होगा, जैसे हम प्याज ब्राउन करते हैं वैसा ब्राउन होगा, तभी हम इनको निकाल लेंगे बाहर।
उनको काला या लाल या पीला नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। जैसे ही ब्राउन होगा निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए ये शाम साइड से झाग भी निकलना कम हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये हो चुकी हैं। तो हम इनको फोड़ के भी चेक कर सकते हैं, एक को ले लें आधा आधा फोड़ लें उसको चेक कर लें। मैं इनको निकाल रहा हूँ पहले। इनका वजन अभी बहुत आधा हो गया है, इतना मैंने डाला था उससे आधे से और कम ही हो गया है। तो इसका प्रूफ भी यही है कि ये हो गई है। देखिए दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है ना, इसको तोड़ के देखना है। तो अगर जब इसको तोड़ते हैं तो ये देखिए ये सूख चुका है अंदर। अगर ये गीला होता जैसा हमने डाला था तो मतलब कच्चा था। इसका मतलब ये है कि हमारी करायल एकदम बहुत अच्छी हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, और मैंने इसी स्टेज पे इसको बाहर निकाला है। इनका कलर भी देखिए ब्राउन है, गोल्डन कलर है ये, ना लाल है ना पीला है। ये जैसे हम प्याज को भूनते हैं तो वैसा कलर होता है, वही कलर है। तो मतलब हमारी करार एकदम परफेक्ट है अभी सब्जी बनाने के लिए। तो अब हम आगे बनाएंगे इसकी सब्जी। देखिए दोस्तों अपने कढ़ाई रख दी है, और इस पर हल्की सी जंग आ गई थी क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती है, तो मैंने इसको धोया है इसलिए इसमें पानी दिखाई दे रहा है। ये पानी सूख जाएगा तो उसके बाद में हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को हिसाब से डालें अब आपकी मर्ज़ी है, मैं सरसों का तेल डालूंगा। मैंने वो फ्राई करने के लिए रिफाइंड यूज़ किया था, लेकिन इसके लिए सरसों का तेल ही यूज़ करूँगा। टेबल स्पून तेल है उतना ही आपको डालना है, और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जीरा। दोस्तों सर्वप्रथम ये जीरा जाएगा, और बहुत तेल गर्म हो गया है तो इसको हल्का कर लेंगे, नहीं तो जीरा काला हो जाएगा। और जीरा कूद के भी ऊपर आ रहा है तो हम नहीं चाहते हमारे पर कूद कूद के ऊपर आए। तो जीरा ज़्यादा काला हो उससे पहले हम इसमें ये हींग डाल देंगे, और उसके तुरंत बाद ये डालेंगे इसमें हम लहसुन का पेस्ट। ये 7-8 पीस थे लहसुन के, 8 से ज़्यादा ही थे, इनको पीस के मैंने ये लहसुन का पेस्ट बनाया है। ये पड़ जाएगा इसको भून लेंगे। दोस्तों लहसुन खुशबू दे रहा है बहुत अच्छी वाली, तो इसको भूनने देंगे। उसके साथ में हम अपना क्या करेंगे, आज थोड़ी सी हल्की बढ़ा लेंगे क्योंकि अभी मालूम ही नहीं पड़ा है झाग ज़्यादा निकलने लगे। ये झाग जो निकलना होता है ना सरसों के तेल में, ये असली तेल की पहचान होता है, क्योंकि गांव में जब हम सरसों लेके जाते हैं चक्की पे और उसको तेल निकलवा के लेके आते हैं तो उस तेल में से सेम झाग निकलते हैं, और वो तेल बिना फिल्टर होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, तो वो ओरिजिनल होता है बिल्कुल एकदम रॉ। तो ये असली तेल की पहचान होती है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये प्याज हैं 5 मीडियम साइज़ के, 5 प्याज हैं जिनका पेस्ट मैंने बनाया है। इनको भी डाल देंगे, अब इनको भूनेंगे। इसको सही से घुमा लेंगे, पहले टुकड़ा कर लेंगे और फिर इसको भूनेंगे। दोस्तों मैं मसाला अपना जैसा पहले मिलाता हूँ तो मैं फिर से मिलाने जा रहा हूँ। तो ये धनिया पाउडर मैंने पहले नंबर लगा दिया इसका, धनिया पाउडर 2 टीस्पून डाल सकते हैं, और ये 1/2 टीस्पून मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च। आज मैंने मिर्च पहले इसलिए बोला क्योंकि मेरे मुँह से ना हरी मिर्च निकलता है लाल मिर्च को देख के, तो मैंने कहा पहले मिर्च ही बोलता हूँ। उसके बाद में ये हल्दी डाल सकते हैं, इतनी मिर्च से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी है वो डाल सकते हैं। नमक चाहे तो इसमें ऐड कर लें, चाहे तो बाद में ऐड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बाद में ऐड करूँगा नमक, अभी नहीं डालूँगा। सब्जी मसाला है 1 टीस्पून सब्ज़ी मसाला ये डाल देते हैं, और अब इनको हम पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको देखिए अपने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला ऊपर ऊपर तैरना ही चाहिए, क्यों तैरेगा तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो सारे मसाले पहुँचेंगे, जब सारे मसाले नहीं पहुँचेंगे तो सब्ज़ी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। अभी ये सही से मिक्स हो चुका है। उसको देखिए हमारा प्याज ना नीचे लगना स्टार्ट हो गया है, वो सही से कर लेंगे।
और आप देखेंगे कि प्याज ने तेल को छोड़ना चालू कर दिया है या तेल ने प्याज छोड़ना चालू कर दिया है, तो इस स्टेज पे हम अपना ये मसाला ऐड कर सकते हैं। तो हम ये स्टेज पे मसाला ऐड करेंगे अभी, तो ये ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी अभी और पड़ेगा मसाला धो के। ये पानी मैंने मसाला धो के ऐड कर दिया है, अब इस मसाले को भी वेट करवाना है जब ये तेल छोड़ेगा। तब तक इसको ढक के रख दें या कुछ भी करें जो मर्जी है आपकी। अब मैं इस स्टेज पे इसमें नमक भी ऐड कर दूंगा। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं फिलहाल तो अभी एक छोटा चम्मच नमक डाल रहा हूँ, उसके बाद में देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो मसाला कूदता है, कूद के बाहर आता है, तो वो बाहर नहीं आएगा। दोस्तों देखिए हमारा मसाला एकदम हो चुका है, हल्का सा लग भी गया नीचे, बच्चों को टेंशन नहीं है, लग जाने से ज़्यादा जुड़ जाता तो टेंशन था। देखिए तेल बाहर आ चुका है, तो अभी इसी स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें पानी ऐड करेंगे हल्की हल्की गाढ़ी ग्रेवी बनाने के लिए। अब आ जाएगा मैंने इसमें 3 या 4 बॉल पानी इस्तेमाल किया है, मैं भूल भी गया कितना डाला था। इसको हम थोड़े उबालेंगे, तो फ्लेम अपनी हाई कर देंगे, जब इसमें उबाल आएंगे तो हम इसमें कढ़ाई ऐड करेंगे। तो देखिए इसको उबलते हुए 5 से 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फ्राई, और फिर उसको 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद में हमारी करण एकदम बन के तैयार है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कहीं कहीं पंखा चलता हुआ रह जाता, उसकी वजह से इसमें इसे घर पंखे की आवाज़ आती रहती, कूलर की आवाज़ आती रहती, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, कोशिश यही करते हैं बंद रहे। अब इसको थोड़ी देर और उबालेंगे, 2 मिनट। इसको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाल सकते, अगर हम इसको स्टार्टिंग में डाल देंगे तो ये फट जाएगी और इसमें मिक्स हो जाएगी, तो ग्रेवी कहाँ है कराल कहाँ है पता नहीं लगेगा। टमाटर वमाटर इसमें ऐड किए नहीं जाते हैं, क्योंकि टमाटर ऐड कर देंगे तो करायल का स्वाद चला जाएगा, टमाटर का आ जाएगा, तो इसलिए ये ऐसे ही बनती है। अभी 2 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं ढक के, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखिए मित्रों 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट से आधा मिनट ज़्यादा ही हो गया है, और हमारी क्या है करायल एकदम रेडी है, तो हम इसको अब बंद कर देंगे। मैंने फ्लेम को ऑलरेडी हल्का कर दिया है, इसको ज़्यादा चलाने से भी ये टूट सकती है, तो अभी इसको कर देंगे बंद। अब इसको बारी है सर्व करने की। दोस्तों देखिए ये एकदम रेडी है, अभी सर्व कर चुका हूँ मैं इसको, और इसको गार्निश करेंगे हम देसी घी से। देसी घी के अलावा इसको गार्निश किसी और चीज़ से किया नहीं जाएगा, आप भी मत करना। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो, नई लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, इसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद, बाय बाय, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम, राम राम। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।